एक ऐसी आवाज जो ईश्वर की अनुभूति कराए, एक ऐसी मौसिकी जो दिलों को छू जाए, एक ऐसी विद्वता से भरी सागर समान गहरी शास्त्रीय संगीत की गायकी जिसमें जन मन लीन हो जाए। ध्यान रंग पिया, पंडित मणि प्रसाद। आप कहते हैं सुर ही मेरा ईश्वर है। जैसे ईश्वर अनंत है, ऐसे संगीत अनंत है। ऐसे अनंत संगीत की कई पीढ़ियों से तपस्या करते परिवार में 4 नवंबर 1930 वर्धा महाराष्ट्र में आपका जन्म हुआ। ऐसे संगीतमय परिवार में जहां बच्चों के जन्म के साथ उसके कान में 7 सुरों को गाया जाता है, यानी जन्म के साथ ही संगीत से जुड़ना। आपने अपनी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किराना घराना के दिग्गज आपके पिता गुरु पंडित सुखदेव प्रसाद जी, जो सुर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर जी के भी गुरु थे, और आपने आपके ताऊजी पंडित शंकरलाल और गोपाल प्रसाद जी से भी शिक्षा प्राप्त की। किराना घराना जो रागों के सुर, उसके उतार चढ़ाव की बारीकी, नियम, उसकी गहराई के लिए जाना जाता है। इस घराने में आलाप की बढ़त, जटिल मेरुखंड सरगम और तेज अकल्पनीय ऐसी तानों की शिक्षा लेकर उसमें आपने महारत हासिल की। कई अप्रचलित दुर्लभ राग, बंदिश, ख्याल, ठुमरी, दादरा, टप्पा के ज्ञान को आपने आत्मसात किया। केवल 7 साल की बाल अवस्था में आपने नागपुर में आपका पहला कार्यक्रम किया, जिसकी प्रशंसा महाराष्ट्र के कई दिग्गज कलाकारों ने की। किराना घराना जो रागों की प्योरिटी और ऑथेंटिसिटी के लिए मशहूर है, आपने उसी घराने की प्रथा को आगे बढ़ाई, इसलिए आप बड़े सम्मान के साथ गुरु घराना ऑफ मंगेशकर फैमिली माने जाते हैं। आपने कई बंदिशें श्री हृदयनाथ मंगेशकर जी को सिखाई, जो कई फिल्मों में आई, जैसे लेकिन फिल्म में सुनियो जी अरज हमारी और गणराज नंदी नाच तो इत्यादि। आपने संगीत को हमेशा आध्यात्मिक विद्या मानी, आत्मा का आनंद माना, जिसकी असर आपकी गायकी में पूरे विश्व के श्रोताओं ने महसूस की। भारत के सभी सम्माननीय संगीत सम्मेलन और यूरोप, यूएसए, अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, इन सारे विश्व फलक पर आपने अपनी गायकी के अंदाज से सभी को मंत्रमुग्ध किया। आपने कई राग जैसे शिव गौंस, ध्यानी तोड़ी, ध्यान कल्याण, भूपेश्वरी और कई बंदिशों की ध्यान रंग पिया के आध्यात्मिक नाम के तहत रचना की। शास्त्रीय संगीत में आपकी सेवा और बहुमूल्य योगदान के लिए कई प्रचलित सम्माननीय अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, जैसे संगीत मारतंड, मल्लिकार्जुन मैसूर अवार्ड, भीमसेन जोशी अवार्ड, राजस्थान नाटक एकेडमी अवार्ड, स्वरमणि अवार्ड, रसेश्वर अवार्ड, पंडित पुट्टुराज गवई सम्मान, बागेश्री सम्मान, ऐसे अनगिनत अवार्ड और भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। आपने सालों साल संगीत की सेवा की, मगर उसके साथ संगीत की धरोहर को बढ़ाने कई शिष्य रत्नों को शिक्षा दी। पंडित मणि प्रसाद जी जैसे सुरों के सरताज, स्वभाव और भाव से संत कलाकार, आध्यात्मिक संगीत की धारा को आगे बढ़ाने के लिए सदी में एक बार जन्म लेते हैं। संगीत का ध्यान करके उसके रंग में रंग जाओ तो पिया मिलेंगे। ध्यान रंग पिया, ऐसे महान सुरेश्वर को आप दीर्घायु हो, ऐसे भाव से कोटि कोटि वंदन।